हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शेयर करेंगे मुहर्रम स्पेशल दम के रोट या रोट की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बिना ओवन के। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी होता है और झटपट से बन जाता है। तो इसे हम तवा पे बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रोट बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम गेहूँ का आटा डालेंगे। मैंने 3 कप आटा लिया है। इसे हम भूनेंगे जब तक कि आटे का कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। तो इसे लगातार चलाते हुए भूने, नहीं तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए, आटा अच्छे से भुन चुका है। इसे भुनने में 5 से 6 मिनट लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से खुशबू भी आ रही है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और सूजी को भून लेते हैं। तो फिर से इसी कढ़ाई में हम सूजी भी भूनेंगे। तो सूजी मैंने 1 कप लिया है। आप नाप के लिए कप या कटोरा कोई भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो सूजी को भी हम भून लेंगे लगातार चलाते हुए और तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। तो सूजी को भी मैंने लगातार चलाते हुए 5 मिनट भून लिया है और ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इसे भी हम आटे में मिला देते हैं। तो इसे भी मैंने आटे में मिला दिया है। अब फिर से इसी कढ़ाई में हम 1/2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इसमें 10 से 12 काजू, 10 से 15 से 20 पिस्ता और 10 से 12 बादाम को फ्राई कर लेंगे। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें यूज कर सकते हैं। 2 मिनट मैंने इसे घी में भून लिए। तो इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो अब इसमें हम 1.5 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। ये 1 कप हो गया और अब 1/2 कप और डालेंगे और ये 1/2 कप डाल दिया। 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, काजू बादाम पिस्ता जिसे अभी घी में फ्राई कर लिया था इसे भी ऐड कर दिया। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर इसे भी ऐड कर दिया। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पॉपी सीड या खसखस ऐड करेंगे और इसमें 3 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। और इन सबको मिक्स कर लें। तब इस पे हम दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक डो तैयार करें। एक बार में ना डालें, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड, डो बन के तैयार है। तो इसे हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। इसे गूंदने में मुझे 1 कप और 4 चम्मच दूध लगे हैं। रेस्ट होते हुए 20 मिनट हो चुके, तो इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं और इसको हाथों से मिला लेते हैं। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसे रोट का शेप देंगे। आप अपनी पसंद से छोटा बड़ा बना सकते हैं और इसको इस तरह से किनारे गोल गोल घुमा देंगे। तो इस तरह से हमारा एक रोट बनके तैयार है। अब एक प्लेट में हम थोड़ा सा खसखस डालेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ बादाम और पिस्ता इस तरह से डालेंगे और हमने जो रोट बनाया था इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से घुमा देंगे ताकि देखने में प्रेजेंटेबल लगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा। तो इस तरह से हम सारे रोट बना लेंगे। तो सारा रोट बनके तैयार हो चुका है। इतने आटे में 11 रोट बना है। तब इसे हम चल लेते हैं फ्राई करने की तरफ। तो तवे पे हम इसे पकाएंगे। तो 1 चम्मच देसी घी ऐड कर देते हैं। तवे पे जितना रोट आ सके इसमें डाल दें। तो इसमें 4 रोट डाले हैं। तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक सिकने देंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए या अंदर से सिक जाए और इसे हम ढक देते हैं।
रोट को सिकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम चेक कर लेते हैं और इसकी साइड को बदल देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो इस तरह हम सारे को पलट देंगे और 5 मिनट तक दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। थोड़ा सा घी इसमें और डाल देंगे और इसे इस तरह से सिक जाने देते हैं 5 मिनट और। 5 मिनट हो चुके हैं दूसरी साइड से भी पकते हुए, तो इसे हम देख लेते हैं। तो ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया, रोट हमारा बनके तैयार है। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरा बैच सेक लेते हैं। इस तरह से मैंने दूसरा बैच भी सेकने के लिए रख दिया है, तो इसे भी चेक कर लेते हैं दूसरे साइड से। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है। तो इस तरह से सारे रोट सेक लेते हैं। ये देखिए कितना खस्ता रोट बनके तैयार हुआ। इसे आप जरूर से ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी बनता और डिलीशियस भी। तो मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना खस्ता रोट बना है और अंदर से तो सवाल ही नहीं उठता कि कच्चा रहे, क्योंकि इसे हमने आटा और सूजी हमने भून के लिया है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।